नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आइटिंग में। मैं आपको एक सेक्शन आप लोगों के साथ, आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। जयपुर पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसा करके 20 लाख रुपए मांगने वाली महिला सीमा शर्मा को गिरफ्तार किया। एडवांस 1 लाख लेने पहुंची तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले महिला ने मैनेजर को होटल में बुलाया और अवैध संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बना लिया। राजीनामा करने के नाम पर यह राशि मांग रही थी, तो एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लम्बा ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर ने रिपोर्ट में बताया कि भरतपुर की रहने वाली सीमा शर्मा उर्फ सपना ने उसे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के नाम पर होटल के कमरे में डील के लिए बुलाया था। वहीं राजस्थान के अंदर बिजली संकट के मद्देनज़र जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सभी जिला मुख्यालयों और सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दिन के समय 1 घंटे की बिजली कटौती करने का फैसला किया है। गाँव में 3 से 4 घंटे की कटौती की जाएगी। निगम ने कोयले की कमी के कारण बिजली संकट को इस कटौती का कारण बताया। राजस्थान के सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है, इससे 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप है। रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक में खरीदनी पड़ रही है, यानी रोजाना 80 करोड़ रुपए का नुकसान इसका आर्थिक भार टैरिफ में आम जनता पर पड़ने वाला है। राजस्थान में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ढह गई, तो जिसे पुनः खड़ा करने के लिए सबसे पहली जरूरत है सरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्रूव करे, कंपनियों को समय पर भुगतान करे, कॉल माइनिंग के लिए तुरंत पैसा दे, और राज्य सरकार का बिजली की कमी के लिए बारिश को दोष देना भी गलत है। सूखे और पेयजल संकट के मुहाने पर बैठे राजस्थान को जल जीवन मिशन से उम्मीद थी कि, लेकिन कुप्रबंधन के चलते यह भी दम तोड़ रही है। वजह केंद्र राज्य की लड़ाई और पेयजल संसाधनों की कमी। इसके चलते प्रदेश के 1.1 करोड़ घरों से 80 लाख से ज़्यादा को कनेक्शन अटका हुआ है। मिशन के लिए 3 साल 14,003 करोड़ की ग्रांट जारी कर चुका है। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।